किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, ना ही हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही हम जनता दल को सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमें चाहिए एक अच्छा लीडर, हमें चाहिए एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव जो हमारा रहनुमा बन सकता, जो हमारे लिए आवाज़ उठा सकता, वो है नासिर हुसैन उस्ताद। एज बीइंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपका काम जो है आवाज़ उठाना, प्रोटेस्ट करना, मेमोरेंडम देना नहीं है। आपका काम जो है पार्लियामेंट में जाके बिल पास करना है, इस चीज़ को रोका जाना बोल के जो है आपको वहाँ पे पार्लियामेंट उठाना है। रीजनल पार्टी जहाँ है वहाँ पे भी मुसलमान खुश है। ये मुसलमानों को जो है सिर्फ और सिर्फ डराया जा रहा है। पिछले गुज़िश्ता 5 सालों में आप मुझे बताइए कौन से मिल्ली मसाइल पे मैडम ने आवाज़ उठाई है? कोई मिल्ली मसाइल पे आवाज़ उठाई नहीं है। लीडर्स में जो है हमें फर्क साफ नजर आ रहा है कि कौन हमारे मुस्तकबिल के लिए बेहतर है, कौन हमारे लिए आवाज बन सकता है, कौन हमारे लिए लड़ सकता है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय अल शरई पीयू कॉलेज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, MSK मिल रोड, अल शरई पीयू कॉलेज फॉर गर्ल, मिजगोरी रोड, गुलबर्गा गर्ल्स पीयू कॉलेज, बसवेश्वर कॉलोनी, अल शरई BSc डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स, यदुला कॉलोनी एंड हैप्पी डेज प्ले स्कूल, ओल्ड जेवरगी रोड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हफीज सवाद, हम तमाम गुलबर्गा स्टूडेंट्स विंग जो है, हम तमाम नौजवान मिलकर आज एक अहम फैसले पर पहुँचे हैं। हम तमाम लोगों ने मिलकर एक डिस्कशन लिया है मुत्तहिद होकर कि आने वाले इंतखाबात इलेक्शन में हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए। जैसा कि मौजूदा हालात हैं, गुज़िश्ता 5 सालों में हमने क़यादत को देखा है और आने वाले मुस्तकबिल के लिए आज हम जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, कल के दिन हमें जैसे कि हम पास आउट होकर हम निकलेंगे बाहर तो हमें नौकरी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। तो आने वाले मुस्तकबिल के लिए हमारे लिए कौन बेहतर रहनुमा हो सकता, कौन हमारे लिए डेवलपमेंट कर सकता, तो इस मौजू पर हम तमाम स्टूडेंट्स से मिलकर हमारा 2 दिन से डिस्कशन चल रहा था कि किस लीडर को सपोर्ट करना है, किस रिप्रेजेंटेटिव को सपोर्ट करना, कौन हमारे मुस्तकबिल के लिए बेहतर हो सकता है। तो इस तमाम चीज़ों को हमने मद्दनज़र रखते हुए एक फैसले पर पहुँचे हैं कि आने वाले इंतखाबात में हम तमाम लोग मिलकर एक अच्छे लीडर, एक मजबूत क़यादत को सपोर्ट करेंगे, वो जो है नासिर हुसैन उस्ताद रहेंगे। और सपोर्ट करने के ये हमारे चंद ऐसे भी वजह हैं कि ये लोग तमाम मेरे जूनियर्स हैं। जैसे कि मैं 2015 में इंजीनियरिंग मैंने की है तो उस वक्त जो है हमें KMDC लोन्स मिलती थी, मेरिट कम स्कॉलरशिप्स मिलती थी, और अब मौजूदा हालात में ना ही कोई स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं और कॉलेजेस के तो हालात बद से बदतर हो चुके हैं। कोई हमारे लिए आवाज़ उठाने वाला नहीं, कोई हमारे लिए रहनुमा नहीं है। जैसा कि हमने देखा कि जो है आए दिल जो है नौजवानों पर जो है एक ना एक तरीके से जो है पुलिस वाले हों दो चाहे किसी भी हों दो, गवर्नमेंट जो है टारगेट कर रही है नौजवान, उसके लिए कोई हमारे लिए बोलने वाला नहीं है। जैसा कि अगर कल के दिन खुदा ना खास्ता कोई पुलिस हमें अगर किसी वजह से जो है उठाकर हमें ले जाएगी या किसी वजह से हमें अरेस्ट करती है तो हम किसके पास जाएंगे? उसके लिए जो है हम किसी गुलिस्ता 5 सालों हमने देखा है कि कोई हमारा रहनुमा तो है नहीं। मैडम जो है पुलिस स्टेशन आके हमको छुड़ा तो नहीं सकते। खैर, मैं उनकी बात नहीं करना चाहूँगा। और जैसा कि उनके खुद के घर में किसी को जब पुलिस वालों ने उनके ऊपर जो है एक्शन लिया था तो उन्होंने खुद प्रोटेस्ट करे थे, मेमोरेंडम दिए थे। हमें तो इतना सियासी शोर नहीं है, हमारा फर्स्ट टाइम इलेक्शन है, हमें इतना तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट हमें मालूम है, इतना तो पता है कि एज़ बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव आपको एक्शन लेना चाहिए था वहाँ पर, मेमोरेंडम देना नहीं। तो लीडर्स में जो है हमें फ़र्क साफ नज़र आ रहा है कि कौन हमारे मुस्तकबिल के लिए बेहतर है, कौन हमारे लिए आवाज़ बन सकता है, कौन हमारे लिए लड़ सकता है। जैसा कि बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे कि NRC है, मैं तो खैर सियासी चीज़ों पे नहीं आना चाहूँगा। आप ले लीजिए हिजाब का मसला ले लीजिए, यहाँ पर मसला जो है किसी बड़ी वुमेन के लिए नहीं था, कोई मार्केट जाने के लिए नहीं था, पार्लियामेंट जाने के लिए नहीं था, हिजाब का मसला हमारे स्कूल कॉलेजेस पे था। ये हमारे बहनों के साथ जो है ज़्यादती हुई है, इस पर कौन आवाज़ उठाए, कौन आवाज़ उठाएगा इस पर? जो है हमें एक मजबूत क़यादत की ज़रूरत है, एक मजबूत लीडर की ज़रूरत है। अगर मजबूत लीडर होगा तो ही आवाज़ उठाएगा। मैं एक चीज़ मैं अभी चंद आपकी सवाल से पहले एक बात बताया था कि एज़ बीइंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपका काम जो है आवाज़ उठाना, प्रोटेस्ट करना, मेमोरेंडम देना नहीं है। आपका काम जो है पार्लियामेंट में जाके बिल पास करना है, इस चीज़ को रोका जाना बोल के जो है आपको वहाँ पर पार्लियामेंट उठाना है, DC के सामने आपको आवाज़ नहीं उठाना है। ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट, आप हमसे ज़्यादा सियासी शोर रखते हैं इस चीज़ पर। तो खैर, मैं जो है आपको बताना नहीं चाहिए, आप जो है हमसे बड़े हैं, हमसे ज़्यादा आप लोग सियासत देखे हैं। तो आप गुलबर्गे के जो है चंद ऐसी भी बातें हो रही कि वोट डिवाइड होते हैं, इनको देंगे उनको दिए, तो कांग्रेस को दिए तो जनता दल वो जो है इसकी बी टीम है, इन्हें बोलते हैं BS की टीम। देखिए, हम यहाँ पर किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, मैं तमाम के बिहाफ में बोल रहा हूँ, हम किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, ना ही हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही हम जनता दल को सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही हम BJP को सपोर्ट कर रहे हैं। हमें चाहिए एक अच्छा लीडर, हमें चाहिए एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव जो हमारा रहनुमा बन सकता, जो हमारे लिए आवाज़ उठा सकता, वो है नासिर हुसैन उस्ताद। उसमें और चंद चीज़ें ऐसे भी है कि जो है रीजनल पार्टी बोलते बाद में, आप तमिलनाडु ले लीजिए,
आंध्रा चले जाइए, तेलंगाना चले जाइए, वहाँ पे मुसलमान खुश है, उड़ीसा चले जाइए। अगर इस तरीके से हम सियासी मौजू पे भी देखें तो जो है जहाँ कांग्रेस है 1992 बाबरी मस्जिद का, खैर मैं उन चीज़ों पे नहीं आना चाहूँगा, रीजनल पार्टी जहाँ है वहाँ पे भी मुसलमान खुश हैं। ये मुसलमानों को जो है सिर्फ और सिर्फ डराया जा रहा है। पिछले गुलिस्ता 5 सालों में आप मुझे बताइए कौन से मिल्ली मसाइल पर मैडम ने आवाज़ उठाई है? कोई मिल्ली मसाइल पर आवाज़ उठाई नहीं है, कोई हमारा रहनुमा नहीं है। जो आदमी बिना कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बिना नहीं रहते हुए भी हमारे लिए आवाज़ उठा रहा है, हमारे हक के लिए लड़ रहा है, तो सोचिए अगर हम उसे पार्लियामेंट बेचेंगे असेंबली में तो वो हमारी आवाज़ बनके जो है हमारे लिए आने वाले मुस्तकबिल में हमारे लिए काम करेगा। और ये तमाम नौजवानों से मैं अपील करता हूँ, तमाम लोग जो इस वीडियो के माध्यम से मैं देख रहे हैं, नौजवानों से मैं अपील करता हूँ, आप अपने घर में अपने माँ बाप को कन्विंस करिए, अपने रिश्तेदारों को कन्विंस करिए, एक मजबूत लीडर को लाने के लिए कोशिश करिए। ये मेरा दूसरा इलेक्शन है, मेरे भाइयों का पहला इलेक्शन है ये, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम तमाम, देखिए मैं तो खैर सियासी पहले पिछले पाँच साल पहले इलेक्शन देख चुका हूँ, ये बच्चों को समझ में आ रहा है कि ये इलेक्शन में क्या गलत है क्या सही है। तो खैर गुलबर्ग की आवाम बहुत अच्छी समझदार है, आने वाले वक्त में आवाम को पता है कि किसको सपोर्ट करना है। मैं तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम नौजवान गुलबर्गा को मैं एक ही मेरा मैसेज देना चाहूँगा कि आप सियासी पार्टी को नहीं देखें, जो लीडर चाहे नॉर्थ रहने दो, चाहे साउथ रहने दो, चाहे रूरल रहने दो, जो लीडर आपके हक़ में काम कर सकता, जो लीडर मजबूत क़यादत जो कर सकता, जो आपका रहनुमा बन सकता, जो पार्लियामेंट में ऐवान असेंबली में हमारे लिए आवाज़ बन सकता, हमारी आवाज़ बन सकता, उसको हम जिताएंगे, उसको हम सपोर्ट करेंगे और उसे हम जो है असेंबली यहाँ से भेजेंगे। ये देखिए हम लोगों ने गुलबर्गा स्टूडेंट्स, गुलबर्गा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स विंग का नाम से हमारा ग्रुप जो है जाना, हमने आपको बताया है। और दूसरी चीज़, हम तमाम स्टूडेंट्स ने मिलकर हमें एक फ़ैसला लिया है कि यहाँ से जैसे कि हमारे खायद, हमारे जो लीडर है, जो मजबूत लीडर हैं नासिर हुसैन उस्ताद, वो तो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स मिलके यहाँ से हम एक चीज़ को आपको वाजे तौर पे बताना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से हर स्टूडेंट इंस्टीट्यूट्स के बाहर हर स्टूडेंट्स को जो है कवर करके उन्हें अपने वोट की अहमियत बताएंगे, एक लीडर की कैपेबिलिटीज़ बताएंगे, अपना वोट किस तरीके से किसके फेवर में इस्तेमाल करना है वो बताएंगे, और हम लोग यहाँ से इस कैंपेन का आगाज़ करते हैं।